खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर सेवन सी, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं सुजाला ग्रहरी, आप देख रहे हैं खबर सेवन सी न्यूज चैनल। भिंड जिले में एनजीटी की रोक के बावजूद निरंकुश चल रहा रेत उत्खनन पर सियासी घमासान। भिंड जिले में एनजीटी की रोक के बावजूद चल रहे रेत उत्खनन पर अब जिला प्रशासन की पोल खुल पड़ी है। अवैध रेत उत्खनन को लेकर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी 15 माह की सरकार में रेत उत्खनन रोकने को नाकाम बताया था, तो वहीं भाजपा के नेता रमेश दुबे ने नदी में फंसे 76 ट्रकों पर प्रशासन की कार्रवाई को धन्यवाद बोलकर मीडिया के सवालों में घिरे नजर आए। आइए दिखाते हैं एमपी के भिंड से यह रिपोर्ट। भिंड जिले में एनजीटी की रोक के बावजूद चल रहे रेत उत्खनन पर अब जिला प्रशासन की पोल खुल पड़ी। अवैध रेत उत्खनन को लेकर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी 15 माह की सरकार में रेत उत्खनन रोकने को नाकाम बताया था, तो वहीं भाजपा नेता रमेश दुबे ने नदी में फंसे 76 ट्रकों पर प्रशासन की कार्रवाई को धन्यवाद बोलकर मीडिया के सवालों को घेरे के नजर में आ गए। सिंधी नदी में अचानक पानी के तेज बहाव से 100 से अधिक रेत उत्खनन कर रहे ट्रकों को फंस देखा जिला प्रशासन की पोल सामने आई। तभी नियमों को ताक पर रखकर सिवा कारपोरेशन रेत कंपनी कर रही थी लगातार नदियों से अवैध रेत की कारोबार। उसके लिए मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि